जे कबीरा की गल असीं करिए ते ओह लगदा कि एक मेरी शख्सियत ही ओहो जी हो चुकी। हाँ बिल्कुल, पोइट्री पढ़दा ना, कोई भी गाना अगर मेरे को आंदा है जिस तरह कबीरा मिलिया तो मैनू कबीरा दे पोइट्री के हिसाब नाल मैनू कबीर जी याद आए। मैं उस नज़रिए नाल देखदा, लेकिन डायरैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू नाल म्यूजिक डायरैक्टर के पॉइंट ऑफ वो मैनू जिहड़े दसदे उन्हां दा भी ध्यान च रखिया और मैं अपने नज़रिए नाल देख रहा। तो मेरी जी नज़रिया वो पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही है तो वो साउंड करे रे कबीरा मान जा मनाना भी तो है एक्सप्रेशंस रे फकीरा मान जा आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां। मेरी परछाई क्यों मैनू पुकार रही है? मैं इस तरीके नाल देखदा, मेरा देखने का नज़रिया अलग है। तुम खुले आसमान का आनंद जोड़ा बहुत माणिया, वो थले रहे हो, कितने ना कितने वो ओट लगती है कि हाँ कि उन्हें जी चादर उपर पाई है इस आसमान की, ये निग होर कितने नहीं आ सकता। वो निग कितना महसूस किया जिंदगी ने, या वो जिंदगी के थपेड़िया ने कितना सिखाया? नहीं सोचते नहीं भाजी, मैं मतलब बचपन तो थोड़ा जहा अलग है कि सोच रोक देती आदमी को। बहना सीखो, जिंदगी में तकलीफें आएंगी, अगर आपने सोच ही लिया है कि मुझे मालिक कह रहा है चलता जा जुगनू की तरह। मेरी जुगनी तुसी सुनना मेरा खुद दा असि इत्थे भी सुनना चाहते, मैं सुनी है ते जुगनी दी जिहड़ी पोएट्री हैगी वो बचपन तो मैं जुगनू नूं लभदे 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 अंदर आया गया। हर इंसान जुगनू की तरह आया है, पर वो जुग जुग से जो चला आ रहा है वो नू क्या है वो नहीं पता, वहाँ फंस गए सांसारिक जीवन में। और फिर जुगनू जो है उसको जुगनी क्यों बोलती है? तू मालिक से पूछ तो सही, तू जल रहा है पर अपना ही चेहरा नहीं देख पा रहा, इतना काला हो गया तू। जे तरन्नुम दे विच जुगनी की कहंदी है वेख फरीदा वेख फरीदा मिट्टी खुली मिट्टी उते मिट्टी डुली मिट्टी हसे मिट्टी रोवे अंत मिट्टी दा मिट्टी